हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, अब जो है थोड़ा मौसम में बदलाव आ गया है, बारिश खूब हो रही है। हमारे यहाँ तो मतलब रोज़ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश हो रही है। थोड़ा मौसम में चेंज भी आ गया है, तो पिटूनिया ग्रो करने का टाइम अब लगभग आ ही गया है। तो मेरे पास थोड़े से पिटूनिया के सीड्स रखे हुए थे, जो कि मेरे अपने ही गार्डन के थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको ग्रो करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये मेरे पिछले साल के पिटूनियाज के थोड़े से सीड्स हैं। ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़े से ही हैं। अभी मैं फ़िलहाल इनको ग्रो करना चाह रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसको। इनको इनको ग्रो करने के लिए हमें थोड़ी पोरस मिट्टी चाहिए। तो मैंने ये एक छोटा सा मेरे पास डब्बा है, इसी में ही मैंने ये सीड्स ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार करी है। इसमें मैंने सैंड और जो मेरी गार्डन की सॉइल है थोड़ी, वो मिला ली है। तो ये देखिए, खूब पोरस मिट्टी बन गई है ये। मैं इसमें ये पिटूनियाज के जो सीड्स हैं वो ग्रो करूँगी। ये पिटूनिया के सीड जो हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और अगर हम इनको ऐसे डालेंगे तो ये इकट्ठे एक ही जगह गिर जाएंगे। ये देखिए कितने छोटे छोटे से हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, हवा चले तो उड़ जाने वाले होते हैं ये बिल्कुल। तो मैं इनको इसमें ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी जो मेरे पास ये रेतीली मिट्टी है ये मिला लेती हूँ इसमें। तो इस तरीके से ये मिलाने के बाद में ये थोड़े अलग अलग हो जाएंगे, वरना ये एक ही जगह सारे इकट्ठे होके गिर जाएंगे और कुछ उगेंगे और कुछ नहीं उगेंगे। तो मैं इनको ऐसे करके मिट्टी में मिला लेती हूँ, इसको रेतीली मिट्टी है ये। इसमें कुछ इसकी पेटल्स भी आ गई हैं, जो उसके सीड पॉट की होती हैं वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरी मिट्टी देखिए, ये खूब पूरा है। इसको मैंने रेत मिला के और थोड़ी अपने गार्डन की सॉइल मिला के कर लिया है। नीचे मैंने इसमें थोड़ा सा पेपर डाल दिया है, जिससे कि नमी बनी रहे, और होल्स भी हैं इसमें, नीचे दो होल्स हैं, और पेपर डाल दिया है मैंने इसमें ताकि मिट्टी भी ना बहे और थोड़ी नमी बनी रहे इसमें पेपर की वजह से। तो अब मैं ये सीड्स ग्रो कर देती हूँ इसमें। इस तरीके से मैं लेती हूँ इसको और ऐसे करके हम इसको, मिट्टी मिली हुई है ये सीड्स भी जो है वो मिट्टी के साथ साथ थोड़े अलग ही अलग गिरेंगे। इस तरीके से मैं ये सारे इसमें ग्रो कर दूँगी। बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं पिटूनिया के, तो इसलिए हमको इसमें मिट्टी मिलानी होती है। मिट्टी या रेत कुछ मिला लीजिए आप, जिससे कि वो थोड़े अलग अलग हो जाएं। अभी हमारे इसमें सीड्स सारे जो हैं डाल दिए हैं मैंने। अब इसके ऊपर हम इसकी एक थोड़ी सी, चाहे तो आप कोकोपीट है कोकोपीट डाल दीजिए, और कोकोपीट नहीं है तो आप अपनी घर की कंपोस्ट बनी हुई जो होती है उसको छान करके डाल दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो मेरे पास तो ये वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं ये वर्मी कंपोस्ट इसके ऊपर थोड़ी सी लगभग आधा इंच की लेयर डाल दूँगी, जिससे कि क्योंकि बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं ये, तो इनको ग्रो करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं ये वर्मी कंपोस्ट इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी, जिससे कि इसमें थोड़ी एयर भी पास होती रहे और इसको थोड़ा पोषण भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ी वर्मी कंपोस्ट की लगभग आधा इंच की लेयर इस पर डाल देती हूँ, और इसको कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर हमें मतलब बारिश का पानी ना गिरता हो और सूरज की भी तेज़ रोशनी ना पहुँचती हो, धूप ना लगे, मतलब नमी बनी रहे इसमें, ताकि ये ग्रो करने के में आसानी रहे इनको। इस तरीके से मैं इस पर लेयर बना देती हूँ। आशा है सारे बीज उगाएंगे, और अभी बीज मार्केट से लाने का टाइम नहीं हुआ है, मार्केट में अभी मिल भी नहीं रहे हैं और मार्केट जाना भी नहीं हो रहा है। तो मैंने कुछ सीड्स ऑनलाइन भी ऑर्डर करे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। तब तक मैंने सोचा जो मेरे पास है मैं उन्हीं को ग्रो कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस पे ये लेयर बिछा दी है लगभग आधा इंच की, और अब इसके बाद में मैं इस पे हल्के हाथ से स्प्रे कर दूँगी पानी का।
स्प्रे पंप हो या आपके पास कोई और ऐसी बॉटल जिसमें आप छेद कर लीजिए और इस तरीके से इस पे हल्के हल्के स्प्रे कर दीजिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ये मिट्टी जो है ऊपर की लेयर ये सूखे नहीं। तो मैंने इसमें देखिए स्प्रे कर दिया है और ये नीचे तक गीली हो गई है। अब हम इसको किसी डार्क प्लेस पे रख देंगे, जहाँ डार्क प्लेस क्या, जब जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती हो लेकिन धूप नहीं आती हो और बारिश का पानी भी इस पर ना गिरे, तो हमारे सीड्स ग्रो हो जाएंगे। और फिर जब ये ग्रो हो जाएंगे तो मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिटूनिया के सीड्स हैं तो आप ग्रो कर लीजिए, जिससे कि बिल्कुल शुरू जड़ों में ही आपको पिटूनिया के फूल मिले। बहुत सुंदर फूल होते हैं पिटूनिया के। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक शेयर करिए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर करिए जिससे कि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।